पाकिस्तान के बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के ऑक्युपाइड रीजन बलूचिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आवरान डिस्ट्रिक्ट में। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमला कर दिया। फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल अयमान बिलाल सफदर की इसमें मौत हो गई है। जबरदस्त लड़ाई इस वक्त जारी। 8 पाकिस्तानी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंपों पर हमला करवाया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने कुछ बड़े हमले प्लान किए। इन हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाने की जिसारत की गई। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे हुई कि आपने पहले से प्लान कर लिया कि यहाँ से कॉन्वॉय जाएगा और हम पहले से घात लगा के रखते हैं, और क्योंकि वो आर्मी बोलते हैं अपने आप को, तो उन्होंने अपने आप को इसको सर्जिकल स्ट्राइक बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA News के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जब मैं BLA के रिलेटेड पाकिस्तानी आर्मी पर जब भी अटैक होता है, तो बहुत सारे लोग कॉमेंट में ये लिखते हैं कि क्या यह सही न्यूज है या गलत न्यूज है। दोस्तों, बिल्कुल ये सही न्यूज है, और इस न्यूज का जो आर्टिकल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि BLA लगातार जो है पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है। दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि एक पाकिस्तानी कर्नल को पकड़ लिया गया था, और उसके सुबह में ही ये न्यूज आई कि उन्होंने, जो कर्नल है, उनको सजाए मौत दे दी है। दोस्तों, उसके पास अब एक बार और खबर आ रही है, और खुद BLA ने यह बात कही कि हमने पाकिस्तानी आर्मी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रखा है, और उसके बाद अब जो BLA है वो भी सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर करने लगी है। और दोस्तों, उसने साफ तरीके से कहा है कि हम पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे ही मारेंगे अगर वो हमारे खिलाफ साजिश करेगी, या फिर जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको उठाएगी, उनको मारेगी, तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से बदला लिया गया है, और बताया ये जा रहा है कि 8 जो जवान हैं वो मारे गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की अगर बात की जाए 3 से 4 महीनों में तो लगभग 400 से 500 जवान मारे गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। खबर ऐसी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के ऑक्युपाइड रीजन बलूचिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आवरान डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर 8 पाकिस्तानी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और इसकी फर्दर डिटेल्स अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। मुझे भी ये खबर IFE न्यूज एजेंसी से मिली है। IFE न्यूज एजेंसी एक इंडिया की न्यूज एजेंसी है, जिसने ये अपने ट्विटर हैंडल पर खबर डाली है। मैंने उनसे IFE न्यूज एजेंसी से ट्विटर पर ये पूछा, उन्होंने बोला 100% कंफर्म्ड खबर है। बाकी डिटेल्स क्या है, उन्होंने ये बोला क्योंकि ये हमारे हमारे एरिया में घुसे हुए थे, और हमारे एरिया में घुस करके ऑपरेशन कर रहे थे, इस वजह से हमने उनके ऊपर स्ट्राइक किए। साथ में ये आवरान डिस्ट्रिक्ट जो है, ये ग्वादर के एकदम लगता हुआ, इसका सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां बॉर्डर इन दोनों का मैच करता है, बॉर्डर का सेम है। तो ग्वादर तो इनके टारगेट पे बहुत दिनों से था, क्योंकि वहां पे चाइनीज फोर्सेस थी, और चाइनीज फोर्सेस से को भगाने के लिए ये काफी दिन से कोशिश कर रहे थे, और इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे थे। ये ऑपरेशन जो था, ये सीक्रेट ऑपरेशन था। नाज़रीन इकराम, कल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने कुछ बड़े हमले प्लान किए। इन हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाने की जिसारत की गई। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, एक तारीख के बड़े सानहे में तब्दील हो सकता था। दुश्मन इसी नियत से आया था, और दुश्मन किस हद तक कामयाब हुआ, और किस तरह से ऐन वक्त पर दुश्मन को नाकाम बनाया गया। ISPR के प्रेस रिलीज के मंदरजात तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ रात भर हम काफी डिटेल्स जो है वो इकट्ठी करते रहे, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सिक्योरिटी जराए से भी, और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वहां पर कुछ जराए से और मकामी पुलिस से।
क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी, तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे। इस ऑपरेशन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज ने हिस्सा लिया, क्या यह सिर्फ जमीनी ऑपरेशन था या इसमें फजाई मदद भी ली गई, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप नाज़रीन किराम, जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो आपने जिस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है वो टाइमिंग होती है। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा, हाँ ये क्वेश्चन एक पूछा हमारे एक दोस्त ने चिराग के, सर्जिकल स्ट्राइक कैसा हुआ। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे हुई कि आपने पहले से प्लान कर लिया कि यहां से कॉन्वॉय जाएगा और हम पहले से घात लगा के रखते हैं, और क्योंकि वो आर्मी बोलते हैं अपने आप को, तो उन्होंने अपने आप को इसको सर्जिकल स्ट्राइक बनाया। और ये डिटेल्स जो है अभी क्योंकि ये अभी खबर कहीं नहीं मिलेगी, ये खबर सिर्फ आईएफई न्यूज एजेंसी पे, और सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, मैंने भी आईएफई से ही दिए, तो उन्होंने उनकी खबर कभी गलत नहीं होती। पहली चीज, आईएफई की खबर कभी गलत नहीं होती, उनसे आप अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको और मिलेंगे। उनकी खबर वो 3 दिन पहले डाल देते, उसके बाद कहीं जाकर के ये खबरें कंफर्म होती। मेरे पास बलूचिस्तान के और भी दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एकदम हादसे में, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को ये बात पता नहीं चल रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्या वो इंटरनली लड़े या फिर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़े कि इंडिया के बॉर्डर पर लड़े, या फिर जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं जो कि आज पाकिस्तानी आर्मी को गाली दे रहे हैं उनसे वो लड़े, या फिर वो अपनी इकनॉमी बचाए। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चारों तरफ से बटी हुई है और इसीलिए इसका फ़ायदा जो है वो उसके दुश्मन उठा रहे हैं। कभी TTP जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर देती है, तो कभी BLA अटैक कर देती है, कभी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर कुछ ख़राब न्यूज आता है। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए ख़राब जो न्यूज है वो लगातार आ रहे हैं, और इसमें पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो मारे गए हैं इसका हम सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, और BLA ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि अगर हमारे लोग को बलूचिस्तान से हटाया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा या फिर उनको मारा जाएगा, तो उसका बदला वो लेंगे। और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं वो कहते ही नहीं है बल्कि कर भी रहे हैं, और इसका प्रमाण जो है वो आप देख सकते हैं कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, और अटैक में वो जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो अटैक है वो सफल भी हो रहा है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी में आज दहशत फैल गया, और पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो भी आज जो डर के साए है उसमें जी रहे हैं, क्योंकि BLA जो है जिसने हर बार अटैक किया है वो उसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार रहा है, और TTP का साथ भी उसको मिल गया है, जिसके पास उसके पास अभी जो लेटेस्ट हथियार है वो भी आ चुके हैं, और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान है वो मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL News को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।